सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए, ठंड का मौसम उठ चुका है और हमारे यूपी में, यूपी के आगरे में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि दिल्ली पास है तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हमारे आगरे में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अभी तो नवम्बर का टाइम है तो उतनी ठंड नहीं पड़ रही, बट जनवरी और फरवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ने लगती है यहाँ पे। तो अभी स्वेटर वगैरह सब निकल चुका है एंड आज मैं आपके साथ अपनी कुछ रिपोर्टें शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं मतलब कि अपनी रिपोर्ट शेयर करूंगी। ये रिपोर्ट में जो है, आज मैं आपके साथ अपनी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं और THS होता है, तो उसकी रिपोर्ट शेयर करूंगी, जो कि मेरी गायनिक ने बोला था। तो मैंने ये टेस्ट करवा लिया है और इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ज़्यादा मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो रहता है, जो पड़ जाता है ना, तो हमारे पीरियड्स में दिक्कत होती है, बट मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल है, THS भी नॉर्मल है। तो अभी मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ, तो अभी देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट है, ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की रिपोर्ट है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है, मतलब एक प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसमें 9.7 से 208.5 होती है, और जो नॉन प्रेग्नेंट होती है उसमें 2.8 से 29.2 होती है, और जो मेनोपॉज में चला जाता है तो उसकी 1.8 से 20.3 होती है, ठीक है। और जो तो मेरी जो है वो 24.81 ng/mL पे है। तो मतलब कि ये रिपोर्ट जो आई है मेरी नॉर्मल है। अभी मैं आपको इससे बैक कैमरा करके भी ये रिपोर्ट दिखाऊंगी, प्लस मैं इसमें आपको अपनी THS की रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी THS की रिपोर्ट है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये मेरी THS की रिपोर्ट है, और THS की रिपोर्ट है जो नॉर्मल रहती है, नॉर्मल रेंज मैं आपको बता रही हूँ, जो 0 से 3.50 से 5.5 होती है, तो मेरी 1.939 है। तो ये जो डोनर रिपोर्ट है, ये ब्लड कलेक्शन के द्वारा ही ली जाती है, और इसकी जो जांच है वो ब्लड के द्वारा ही की जाती है। तो ऐसा कोई डेज नहीं, मुझसे बोला गया था कि ऐसा कोई परफेक्ट डेज है कि पीरियड्स के बाद आपको जांच कराएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी जो जांच थी नॉर्मली डेज में हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी मैं आपको ये रिपोर्ट है जो वो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये मेरी जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की रिपोर्ट है, इसे मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। एंड जो है, देखिए आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मेरी 24.81 ng/mL आई है, और नॉर्मल रेंज देखिए आप यहाँ पे लिखी है सारी रेंज, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उन पे 9.7 से 208.5 होती है, एंड नॉन प्रेग्नेंट जो होती है उसमें 2.8 से 29.2 होती है, एंड मोनोपोज के पास जो आता है, जिनमें मोनोपोज हो जाता है, तो उन पे 20.3 होती है ना। तो आप देख सकते हैं, ये है, तो नॉर्मली मानेंगे नॉर्मली रिपोर्ट है। और इसके बाद मैं आपको अपनी THS की रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ साथ में, इसमें भी THS की रिपोर्ट लगी हुई है। जैसे THS की रिपोर्ट है, देखिए रिफरेंस रेंज जो रहती है इसमें 0 से 3.50 से 5.5 होती है, और 1.939 मेरी जो है वो आई है। तो ये भी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई है। THS की जांच, मतलब कि THS की जो जांच होती है वो थायराइड के लिए होती है ना, तो उसका भी देखने के लिए मेरा टेस्ट किया गया था। आप देख सकते हैं मेरी रिपोर्ट। फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी रिपोर्टें शेयर की आपके साथ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपके पास मेरे लिए कोई अच्छा सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।